वेलकम बैक टू माई चैनल वंस अगेन। आज तो यहाँ पे टाइफून चल रहा है फिलीपीन में, तो ये देखो भाई बारिश तो लगी हुई है। कल आ जाएगा टाइफून जो लैंड करेगा इधर। माई चैनल वंस अगेन, तो आज का ब्लॉग थोड़ा डिफरेंट होने वाला है। डिफरेंट इन ए सेंस कि अभी मैंने काफ़ी देर से ब्लॉग्स डाले नहीं है, महीना डेढ़ हो गया। तो तीन चार चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा इस ब्लॉग में। एक तो मेन टॉपिक ये आएगा कि वैक्सीन का, कौन सी वैक्सीन लगाई, मैंने कैसे लगाई, तो पहले वो बताता हूँ मैं। सो वेलकम एवरीवन टू माय चैनल वंस अगेन। सो टुडे इज़ द ब्लॉग गोइंग टू बी स्पेशल, एंड द स्पेशल थिंग अबाउट दिस वन, टुडे आई एम गोइंग टू गेट माय फर्स्ट डोज ऑफ कोविड वैक्सीन। सो लेट्स गो अहेड एंड स्टार्ट। Parking, they have this vaccination center, and I'm going there, and let's see how long is the waiting time. So inside the parking here, they have the vaccination center. इसके बाद यहाँ पे मैंने वैक्सीन नहीं लगाई थी। मैंने वैक्सीन ये है एक अपना इधर फिलीपीन में जो होते हैं लोकल एलजीओ ये कहती हैं इसको, इधर बता देता हूँ मैं, ऊपर लिंक डाल देता हूँ। तो इसमें वैक्सीन लगाई जाती है, मतलब पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी, उसके बाद एक दो हफ्ते के बाद नंबर आएगा आपका, तो उसके हिसाब से लगाते हैं ये सिनोवैक और जो भी वैक्सीन अवेलेबल हो। पर मैंने अपनी कंपनी की तरफ से जहाँ पे काम करता हूँ वहाँ से लगवाई है एस्ट्राजेनिका, जो पिछले महीने लगी है। अब अगला डोज उसका लगेगा नवंबर 4 या 5 को ऐसे लगेगा। तो वैक्सीन का ये था, वैक्सीन लगवाने के बाद अपना एक दो दिन काफ़ी इसका अपना साइड इफ़ेक्ट कह लो, और जो भी बंदा बीमार रहता है उसके बाद इम्यून सिस्टम थोड़ा ये नॉर्मल कर देती है, बिल्कुल कमज़ोर कर देती है, पर उसके तीन चार तीसरे और चौथे दिन के बाद सारा मतलब कि अपना चला जाता है, जो भी हो मतलब रिकवरी हो जाती है प्रॉपर वे से। एस्ट्राजेनिका थोड़ी स्ट्रॉन्ग वैक्सीन है, और एज़ कम्पेयर टू जो है सिनोवैक वगैरह जो होती है। तो ये तो होगी वैक्सीन की। अब अगला आता है
अगला टॉपिक आता है गाड़ी का, तो गाड़ी में क्या हुआ, अपना जो डिस्क होती है ना, डिस्क ब्रेक, अगले जो दो टायरों में, फ्रंट में, तो उस पे थोड़ा सा रस्ट लग गया। तो ये पिक्चर भी मैं साथ में आपको बताता हूँ किस तरीके से रस्ट लगा। अभी तो कितने मार्च, 4-5 महीने हुए गाड़ी ली हुए, तो वो भी मैंने रस्ट मैंने मतलब बताया अपने शोरूम में जाके यहाँ पे टोयोटा की क्या है क्या नहीं। तो उनके हिसाब से उन्होंने बोला ईमेल पे मेरे को जवाब देंगे, जो मैंने बैक एंड फोर्थ ईमेलें भी डिस्कस की उनके साथ। तो जो मैं सोच रहा था कि हाँ भाई कोई स्प्रे वगैरह होगा उसके हिसाब से ये रिप्लेस अपना क्लीन अप करेंगे, तो वो एक हफ्ते तक उनसे बातचीत चलते रही। तो एक हफ्ते के बाद जब मैं वापस गया तो उन्होंने क्लीन वगैरह कर दिया, तो वो भी थोड़ा था अपना, तो उसमें भी थोड़ा बिजी था मैं। तो मेन चीज होता क्या है, ये जो डिस्क होती है ना आगे, ये जब आप ज़्यादा देर तक गाड़ी चलाओ नहीं और साथ में यहाँ पे अपना ज़्यादा बारिश रहती है, मौसम ऐसा रहता है और उस पर जंग सा लग जाता है, रस्ट सा लग जाता है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा जो होती है डिस्क की अंदर की प्लेट होती है ना, वहाँ पे ये नॉन कोटिंग होती है, इस पर कोट नहीं हुआ आता, तो वो काफ़ी मतलब अगर आपकी गाड़ी महंगी भी है इवन दो उस पर कोटिंग नहीं करती हैं, वो कोई भी रीज़न होगा जो वो साथ में लग के घिसती होगी तो उस पर कोटिंग वगैरह या कलर वगैरह नहीं होता होगा, वट एवर रीज़न फॉर दैट। तो वो भी मैंने सॉल्व करवाया, तो अभी दिखाता हूँ आपको उसको, उन्होंने क्लीन अप किया सारा कुछ उसके बाद करने के बाद अभी कैसा लग रहा है, तो ये देखिए। तो आज का ब्लॉग बड़ा शॉर्ट में रहेगा और होपफुली इन फ्यूचर भी मैं ब्लॉग बनाऊं और टॉपिक्स भी कंटेंट भी थोड़े नहीं मिल रहे हैं कि घर पे ही बैठे रहो, लॉकडाउन भी काफ़ी लगा हुआ है यहाँ पे, तो बाहर जाने का आने का भी प्रॉब्लम है, तो जो भी है अपना ऑनलाइन ही मंगाते हैं। तो इन फ्यूचर अगर ट्रैवल वगैरह ओपन होता है जब सेकंड वैक्सीन लग जाती है तो देखो अपना ट्रैवल फिर से शुरू करते हैं और नया अपना फिर से और ट्रैवलिंग के ब्लॉग भी बनाते हैं। तो अगर आपको लगे अच्छा ये ब्लॉग तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। तो एक बार फिर से ब्लॉग देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय।